Hey guys, welcome back to my YouTube channel Tech Rise. तो आज की वीडियो एक ट्यूटोरियल होने वाली है. बेसिकली मैंने जो मेरी चैनल पे फर्स्ट वीडियो थी वो इस चाइनीज गेमिंग माउस और ये चाइनीज गेमिंग कीबोर्ड के बारे में थी. इसकी मैंने एक रिव्यू किया था. तो आज हम इनकी बारे में एक ट्यूटोरियल टाइप आप कह सकते हैं ट्यूटोरियल वीडियो बनाएंगे. तो ये जो माउस है इसमें एक्स्ट्रा बटन्स भी थे. ये गेमिंग माउस था और चाइनीज ब्रांड की तरफ से था. तो इसमें एक्स्ट्रा बटन्स थे. तो इसका अपना कोई सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं था, ना बॉक्स पे मेंशन था, ना माउस में कहीं पे था. तो उसके लिए आपको एक अलग सा सॉफ्टवेयर चाहिए होता है. तो हम आज उसी के बारे में बात करेंगे, प्रोग्राम और उनको प्रोग्राम किस तरह किया जाता है. वैसे तो अगर आप कोई ब्रांडेड माउस ले रहे हैं जैसे लॉजिटेक वगैरह का, तो उसके तो अपने आपको सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, लेकिन इन चाइनीज़ वालों की नहीं मिलते. तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है और आपने यहाँ पर सर्च करना है एक्स माउस बटन कंट्रोल. ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो इन चाइनीज माउस के लिए इस्तेमाल होता है. चाइनीज माउस के जो बटन्स होते हैं इनको प्रोग्राम करने के लिए इस्तेमाल होता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड बटन स्टैंड, इसमें से आप कुछ भी सर्च कर लें. और यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे लिंक्स आ जाते हैं. मैं इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लूँगा, सॉफ्ट रानी का सिलेक्ट कर रहा हूँ. लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा. अगर आप किसी और वेबसाइट से करना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी कर ले सकते हैं. ये आप देख लें, इसका जो लोगो है वो आप चेक कर लें. और यहाँ पे फ्री डाउनलोड पे मैं ही क्लिक कर दूँगा और जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो जाएगा. वो डाउनलोड हो गई है. अब इसको ओपन करने से पहले मैं जो गेमिंग माउस है ये वाला, इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ अपने लैपटॉप के साथ और उसके बाद आपको डायरेक्ट दिखा. इस वक्त जो मैंने वो माउस है वो भी कनेक्ट कर लिया है और ये हमारा सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड हो गया. तो अभी मैं इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ. अभी वो येस वाली स्क्रीन आ जाती है, आपने उस पर येस पे क्लिक करना है और शायद आपको रिकॉर्डिंग में शो ना हो. तो ये आप देख सकते हैं सिंपल सा इंस्टॉलेशन विजिट आ गया. यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट करेंगे. जिस तरह सिंपल हर सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन होती है तो वैसे इंस्टॉल होगा. इसको चेक बॉक्स कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल एक नए तरीके से जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो. उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा. अब आप देख सकते हैं 2 मिनट का काम था और ये इंस्टॉल हो गया. यहाँ पे हम इसको रन कर लेंगे फिनिश पे क्लिक करके और एक कोर ब्राउज़र में विंडो ओपन हो जाती है. आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं और अभी जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो प्रॉबेबली खुद ही ओपन हो जाना चाहिए. जी हाँ, यहाँ पे देखें, ये अगर यहाँ पे शो ना करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा एक्स माउस बटन कंट्रोल की एप्लीकेशन का एक लोगो आ गया. आपने इस पर क्लिक करना है. ये आप देख सकते हैं ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया. अब यहाँ पे आप ज़रा गौर से देखिए, इसकी कुछ सेटिंग्स हमने करनी है. यहाँ पे तो इस साइड को तो आप ज़्यादा छोड़ दें. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेयर 1 लेयर 2 स्क्रोलिंग ऑप्शंस. सबसे पहले तो आप लेयर 1 में जाएं तो आपके पास डिफरेंट आपके पास सारे बटन और सब की है. सपोज़ करें आपने लेफ़्ट बटन को चेंज करना है. तो अभी तो मैं लेफ़्ट बटन दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं सब ये, जैसे मैं लेफ़्ट बटन दबाता हूँ तो ये येलो पे आता है. अब आप देख सकते हैं मेरे माउस की पिक्चर मैं आपको दे दूंगा स्क्रीन पे. यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे 2 बटन हैं. तो अगर मैं एक बटन को दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये है माउस बटन 4. तो अगर दूसरे को दबाता हूँ तो वो है माउस बटन 5. मतलब हमने चेंज जो करनी है वो हमने माउस बटन 4 और माउस बटन 5 चेंज करने हैं. ये आप चेक कर सकते हैं, किसी बटन को दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा. अगर मैं स्क्रॉल व्हील दबा रहा हूँ मिडिल बटन, तो आप देख सकते हैं वो भी आ गया. इसी तरह अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो राइट वाला आ जाता है, लेफ्ट करता हूँ तो लेफ्ट वाला यहाँ पे येलो हो जाता है. तो यहाँ पे आप मल्टीपल लेयर्स भी ऐड कर सकते हैं. तो अभी हम लेयर 1 से ही काम करेंगे. अभी सपोज करें देखें जो साइड पे 2 बटन थे उनमें से एक था माउस बटन 4 और एक माउस बटन 5. तो माउस बटन 4 जो है इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर तो मैं ये माउस बटन 4 दबाता हूँ तो या तो मैं इसको डिसेबल कर दूं कि ये काम ही ना करे. देन अगर मैं माउस बटन 4 दबाऊं तो लेफ़्ट क्लिक हो, इसी तरह मिडिल क्लिक हो, इसी तरह माउस व्हील अप हो, या इस तरह भी कुछ आप कर सकते हैं. फिर आप स्टिकी बटन्स को भी, या फिर अगर मैं माउस बटन 4 दबाऊं तो स्क्रॉल विंडो अप हो, स्क्रॉल विंडो डाउन हो. मतलब आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं. माउस बटन 4 दबाऊं तो ब्राइटनेस भी अप हो सकती है. आप की शॉर्टकट्स भी बना सकते हैं. आप इवन कॉपी पेस्ट के लिए अगर आप ये दबाएं तो कॉपी हो जाए, माउस बटन 5 दबाएं तो पेस्ट हो जाए, और आप कट भी कर सकते हैं, एंटर भी आप कर सकते हैं. और जो एक और भी इसका फंक्शन है कि आप इसमें एप्लीकेशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं.
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि exe का ऑप्शन आ रहा होगा एप्लीकेशन सेलेक्ट करने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं रन एप्लीकेशन वाला, आपने इस पे क्लिक करना है और आपने अपने रन में जाके या फिर आप अपनी डायरेक्टरी में जाके उस एप्लीकेशन की आप वहाँ से उसकी .exe जो फाइल होती है ना वो आपने निकाली है। लेकिन ये याद रखिएगा कि वो जो फाइल हो वो शॉर्टकट फाइल ना हो, वो ओरिजिनल फाइल हो। वो शॉर्टकट फाइल होगी तो वो काम नहीं करेगा। तो फिर उसके बाद जैसे ही आप सारी सेटिंग्स कर लें, आपने अप्लाई पे क्लिक करना है एंड देन वी आर रेडी टू गो। मैं आपको एक माउस बटन 4 हम इसको कर देंगे राइट क्लिक, माउस बटन 4 दबाता हूँ तो राइट क्लिक होता है। ओके, हम इसको अप्लाई कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। अब आप देखेंगे मैं माउस बटन 4 इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि मैं जब भी माउस बटन 4 दबा रहा हूँ साइड वाला बटन, तो ये हमारा राइट क्लिक हो रहा है। इसी तरह आप चेंज कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो, होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।